तुम और तुम्हारे पुलिस वाले नागेश राणा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपको यकीन है कुछ नहीं हो सकता है तो इन गुंडों के खिलाफ लिखती क्यों है? चुपचाप बैठ के तमाशा देखिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस देश की बेटी होने के नाते मेरा जो फर्ज है उसे मैं जिंदगी के आखिरी लम्हों तक निभाऊंगी। मैं उनके खिलाफ लिखती रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो मैं भी उन पुलिस वालों में से नहीं हूं जो कानून की दलाली खाते हैं। ये वर्दी भीष्मा की शान है, किसी राणा के घर की रखेल नहीं। इंस्पेक्टर भीष्मा जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज से मोहब्बत करता है और जहां भी जाता है अपराध का नामो निशान मिटा देता है। Yes. You are under arrest. Hey, इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार करेगा तू? तू जानता है मैं कौन हूं? तू चाहे किसी भी नस्ल का हो, आज के बाद भौंकना भूल जाएगा। Hey, इंस्पेक्टर, कानून का ये डंडा जब ऊपर से डालता हूं ना तो बड़े बड़े रंगबाज की नीचे से हवा निकल जाती है। इंस्पेक्टर भीष्मा पुलिस लॉकअप में टॉर्चर नहीं करता। एक कमजोर लड़की पर मर्दानगी दिखाने आया था साला। कपड़े उतार वरना भून के रख दूंगा। ये भी। ये भी उतार के रख देता। यहां मां बहन मौजूद हैं। चल माफी मांग। मांग! मुझे माफ कर दो। नहीं खुला, सर बाहर कैसे आएगा? हाँ काकी, मैं एक नंबर का बुद्धू। अच्छा मैं चलता। कहाँ जा रहा है? खेलने। अरे इतना बड़ा हो गया और बच्चों के साथ खेलता रहता है? मैं भी तो बच्चा ही हूँ काकी। अच्छा कुछ खा ले फिर। ए, मैंने बालों के साथ दूध रोटी खा लिया। अच्छा मैं चलता हूँ। कौन सी? नीली वाली। नीली वाली? हाँ। अभी मारता हूँ, देख। लग गई। ये सब गुड़िया मेरी हो गई। ए भोला, इन बच्चों के साथ क्या खेल रहे हो? मेरे साथ खेलो ना। आजा मैदान में। क्यों नहीं खेलूंगा, चल गोटिया निकाल। गोटिया? हाँ। अभी मंगवाती हूँ। एक हलवा। क्या? ए ले अठन्नी और जा जल्दी गोटिया लेकर आ जा। चलो 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 चलो। भोला, बच्चे लोग तो गए गोटियां लाने, अब तू चल मेरे साथ। तेरे साथ कहाँ? चल तो सही ना। चलो ना। ये तू मुझे कहाँ लेकर आई है? खेलने के लिए। ये खेलने की जगह थोड़ी है। प्यार का खेल अकेले में खेला जाता है ना भोला। ये प्यार का खेल? ये कौन सा खेल है?
ये खेल तो मैंने पहले कभी नहीं खेला। ये तू क्या कर रही है? ये खेल मैं नहीं खेलूंगा, मैं जाता हूँ। ओई माँ, क्या हुआ? घुटने में मोच आ गई है, अब मैं कैसे उठूं? अच्छा, ये चुपकी, मेरा बदन क्यों गर्म हो रहा है? लगता है मुझे बुखार आ रहा है, मैं जाता हूँ। ये तो अपनी पारो है। ए पारो! ए भोला, यहाँ क्या कर रहा है तू? ये लड़कियों की नहाने की जगह है, जा यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? यदि मैं तो कोई भी नहा सकता है, मैं तो आ रहा हूँ। अरे अरे बुद्धू, यहाँ मत आना। भीषण कहीं का, चल जा यहाँ से। ए पारो, कहाँ जा रही है? चलो तू भी ना, हम भी नहाते, हम लोग साथ नहाएंगे। हाँ, तेरे भेजे में तो भूसा भरा हुआ है, छोड़ मुझे। ए पारो, अरे जा, नहीं नहाती तो नहीं नहाती, चल हम लोग नहाते। पारो, तू रो रही है? चल घर, चल 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 घर चला। नटवर, अरे नटवर, मिलावट राम की दुकान से 1 किलो तेल लेके आना। जेल? जेल? मैं जुआ खेल रहा हूँ, जेल भेज रही है मुझे। तू ये चीज किस लिए बनाई है? भूल जाता हूँ। मिलावट राम की दुकान से 1 किलो तेल लेके आना। ले तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत थी? मैं कौन सा बैल लेके आने वाला था? जा। जाता हूँ, जाता हूँ।
मैं हूँ रंगीला रंगीला रे। हाय क्या हुआ? हाय मेरी जान। नटवर तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत को मार गोली। अरे पगली, जब कोई लड़का किसी लड़के से मिलता है तो हाय मेरी जान तो बोलता है। तेरी बात तो मेरी समझ में नहीं आती, बोल क्या चाहिए? एक तू मिल जाए मैं समझूंगा मेरे घर का पूरा सामान मिल गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि तू दुकान पे मिल गई, मेरे दिल की किताब खुल गई। अब तू भी खोल दे क्या? अपने मन के द्वार और नैनो में नैना डाल के दे दे क्या? प्यार पगली प्यार, नहीं तो क्या नाचिस तुझसे माचिस मांगने आए। ये प्यार है प्यार, ये प्यार की आग है, नहीं बुझती। ए नटवर बंद करते रहे नाटक, ये बन्ने की दुकान है कोई प्यार व्यार की दुकान नहीं। माँ और बापू को बुलाकर ऐसे जूते खिलवाऊंगी कि तेरे सर के सारे बाल है ना उखड़ जाएंगे। हाँ अरे प्यार में सर के बाल तो क्या, खाल भी उखड़ जाए कोई बात नहीं। तू मेरी बात सुन, ये दुकान छोड़, चल मेरे साथ चमेली के मंडवे तले। क्यों बे नटवर, मेरी बेटी को क्या खिला रहा था? अरे मैं तो तेल लेने आया था, तेल आपकी माल की तारीफ कर रहा था। बहुत बढ़िया है बेटी तू। ये ले तेरा। मैं पूछ रहा हूँ घर में सब कुशल मंगल तो है ना? दंगल दंगल मंगल मैं नहीं जाता। हाँ सुबह सुबह जंगल जाता हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ घर में सब ठीक तो है ना? भीख भीख मांगने है? ये ले रोकड़ा, ले रोकड़ा, भीख मांगने है? पहले कभी ले ले, भीख मांगने है? भिखारी समझा मुझे? अरे मैं पूछ रहा हूँ पारो कैसी है? पारो मारू? क्यों मारू मैं? तेरी बीवी बाकी गई है क्या? अरे पारो पारो मैं लगता है सुबह सुबह इसकी बीवी इसको मारा नहीं, मारता हूँ। हाय राम, ये क्या हो गया? क्या थैले के जैसा पड़े हो? ओ बहरे ने, ओ बहरे ने मुझे मारा। कौन बहरा? आ, 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 ये, ए, तूने मेरे पति पर हाथ उठाया? इसने तो कहा था कि मेरी बीवी ने मुझे बहुत दिनों से मारा नहीं, मारो मारो मारो, मैंने मारा। पूछो तुमने ऐसे कहा? मैंने मैंने कुछ नहीं कहा। एक बात बताओ, ये बाहर वालों को कैसे मालूम पड़ गया कि मैं रोज तुम्हें मारती हूँ? भगवान कसम मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मालूम नहीं ये बात कैसे फैल गई। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन रात को तुम्हारी खबर लूंगी। अरे पारो तू यहाँ बैठी है? देख चाची, नटवर मुझे परेशान कर रहा है। क्यों रे नटवर, क्यों तंग कर रहा है इसे? भंग? क्या भाभी जी मजाक कर रही हो, मैं कोई भंग वंग नहीं पीता। हाँ भंग पीता हूँ तो केवल होली के दिन। तू बहरा का बहरा ही रहेगा। मैं बोल रही थी तू पारो को परेशान क्यों कर रहा है? मैं कहाँ परेशान कर रहा था, अरे मुझे सर्दी हो गई थी तो मैं छींक रहा हूँ। अब तो विश्वास हो गया, झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा बाबा अच्छा, दे बोला खाना खा ले। काकी मैं खाना कैसे खाऊंगा? अरे हाथ से खा भाई। हाथ से खा भाई, लेकिन हाथ में तो ये है। तो उसे उतार के खाना। इसे उतारूंगा तो ठंड लगेगी। तो थाली ले, मुंह से खा। फा, 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 खा। मैं मुझे कहाँ से खा पाऊंगा, काकी मुझे खिलाएगी। अच्छा बाबा खिलाती हूँ, ले मुँह खोल ले। देखा क्या मुझे कितना प्यार करती है? हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ ना, जब तू तो इस घर में आया है ना, सारा प्यार उधर ही है, इधर कुछ भी नहीं है, है ना? है ना? बोलो बोलो, खिला खिला खाओ। Thank you.
ए बालो, तू उठ क्यों गई? तू यहाँ कैसे आया? मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैं यहाँ आकर सो गया। तेरा कंबल कहाँ है? पता नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। तू भी सो जाना, आ जा।
पिंजरे में वो मत बोले, पानी में भारत पे है शोले, ये पिंजरे में वो मत बोले। ओ मेरी मैना मैना, ओ मेरी मैना मैना, ओ मेरी मैना, तू जब जब बोले ये पिंजरे में वो मत बोले। मिलावट राम को बता दिया ना, जब वो शहर जाए तो मुझे साथ ले जाए। मैं चौपाल गया था, वो वहाँ नहीं है, वो घर गया। मर गया? अरे कल तक तो अच्छा खासा था। कब मरा? अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अरे पता चला? क्या हुआ? अरे मिलावट राम मर गया यार। हाँ मिलावट राम मर गया यार। कंजूस था, हरामी था, लेकिन अच्छा आदमी था। चलते यार। मिलावट राम मर गया? क्या मिलावट राम मर गया? मिलावट राम मर गया। सुना के तुमने मिलावट राम मर गया? धीरज रखो, इन आंसुओं को रोक लो। क्या करें नटवर, आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। मैं समझता हूं इस वक्त आप लोगों पे क्या बीत रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हुनगो को टाल नहीं सकता। हाँ। देखो हिम्मत से काम लो, बेटी तो पराया धन है। हाँ। वो मेरे घर तो आ जाएगी। हाँ? आप अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हूं ना। क्या कह रहे हो तुम नटवर? देखो अब जो कुछ हुआ है। क्या हुआ है? सदमा पहुंचा है बिचारी को, मैं समझता हूं। अर्थी कब उठा रहे हैं? अर्थी? किसकी अर्थी? मिलावट राम जी खर्च हो गए ना, परलोक से जा गए ना। ए, चुप कर, क्या बकवास कर रहा है, वो तो गहरी नींद सो रहे हैं। इनको विश्वास नहीं आता कि मिलावट राम इस वक्त हमारे साथ नहीं है। शांति रखिए आप। ए भगवान, मिलावट राम। देखो संभालो इन्हें, कितना भाग्यशाली आदमी था। अरे वो सो रहे हैं। इस औरत जात को जरा भी यकीन नहीं आ रहा है भगवान। मिलावट राम भैया एक बार आखिरी दर्शन कर लो बेचारे का। मिलावट राम। क्या बात है, इतनी भीड़ कैसे? वफ़ु, वफ़ु। चमत्कार, चमत्कार, ये भगवान ने आपकी सुन ली, आपके आंसू देख नहीं सके भगवान। मिलावट राम तुम उठ गए। ए नटवर, ये सब क्या चक्कर है? वफ़ु, वफ़ु। ये नटवर सारे गांव वाले को लेकर आया है तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए, कहता है कि तुम मर चुके हो। है? उस दिन तूने मेरे को लाफा मारा, वफ़ु, वफ़ु, और आज मेरे बारे में सबको बोलता है मैं मर गया हूँ। सारे गांव में मेरे मरने की खबर फैला दी और मेरी अर्थी उठाने आया है। मारो इसे, मारो इसे। कितनी बेरहमी से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहाँ मारते हुए आदमी को शर्म आए। ए बाप, पूरे बदन के नट बोल्ट ढीले कर दिए मेरे। ये घर अपने ही है ना। दीदी, दीदी। चाची, लगता है कोई भिखारी आया है। हा? खाना हो तो दे दो इसे। भिखारी? घर में तो खाना है नहीं, ये पैसे ले लो और जा। लो,
मैं भिखारी हूँ। अरे अरे मैं नटवर हूँ, नटवर। अरे नटवर भैया तू? अरे ये क्या हालत बना रखी है? ये हालत तेरे भोला ने की, भोला ने उसने मेरी हालत की है। पता नहीं क्या बोल गया मैंने, वहाँ क्या बोल दिया लोगों ने मुझे मार मार के। यार कहाँ है भोला? ताली मार रहा है। कौन है तू? आदमी है तू? उस दिन तेरा नसीब अच्छा था जो तू बच गया, लेकिन आज तू यहां से अपने पैरों पर चलकर नहीं जाएगा। आगे नहीं बढ़ना, मारूंगा मैं। देख मैं मारूंगा तुम लोगों को। हाँ मारो साले को। क्या हुआ भोला? मैं कार में, कार खाई में गिर गई। खाई में। आप मेरे साथ बाहर आइए। आपका बेटा शरीर से तो बड़ा है, लेकिन बातें बिल्कुल बच्चों जैसी करता है। ये जन्म से ही ऐसा या किसी एक्सीडेंट के कारण हुआ है? वो भोला मेरा बेटा नहीं है डॉक्टर साहब, वो मुझे अधमरी हालत में खाई में पड़ा मिला था। मैं उसे उठाकर फौरन बैजी के पास ले गई। भगवान की कृपा से उसकी जान तो बच गई, मगर होश में आने के बाद वो बच्चों जैसी बातें करने लगा, अपने बारे में कुछ बता भी नहीं सका। आई सी, दैट मींस इट्स अ केस ऑफ एमिनेजिया। किसी घटना के कारण भोला अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल चुका है। उसे वही बातें याद है जब वो 5-6 साल का था। डॉक्टर साहब, क्या भोला अब हमेशा ऐसा ही रहेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। शहर जाकर भोला का किसी स्पेशलिस्ट से इलाज करवाओ तो भोला की याददाश्त वापस आ सकती है। दूध का दिल जलेगे मलैया मोटी तू खाएगे। ए गंगू भैया, ए गंगू भैया, 1 लीटर दूध देना बिना पानी के। अरे भैया, अगर बिना पानी का दूध चाहिए ना तो वो मेडिकल स्टोर वामा चले जाओ, वहाँ दूध का पाउडर मिल जाए है। हमरे पास तो पानी मिला हुआ दूध है भैया। क्या जमाना आ गया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। दूध में पानी मिला मिला के बेचता है और ऊपर से सीना ठोक के कहता भी है। अरे बस्ती वालों, ये देखो, एक फटके में साला भैंसन के खूंटा के माफिक धरती में घुस गया। ये तो अच्छा हुआ कि हम बहुत कस के नहीं मारा, नहीं तो इंडिया में घुसता और ऑस्ट्रेलिया के बाहर निकलता। लेकिन भैया जी, तुमने मुझे मारा क्यों? मारा क्यों? ये समझाने के लिए कि भगवान के बनाए हुए संसार में मिलावट हुई सकत है, दो ही प्रेमियों के प्यार में मिलावट हुई सकत है, इस देश की सरकार में मिलावट हुई सकत है, अबे तोरे खून में मिलावट हुई सकत है,
मगर जौनपुरी भैया के दूध में मिलावट हो ये ना ही हो सकत है। तू साला बोला कैसे कि हम दूध में पानी मिला के बेचते हैं बे? हम कहा बोला, आपका आदमी बोला। अरे वो तो कुछ भी बोल सकता है, उसको बोलने का लाइसेंस है, मगर भुसावल के सड़े हुए केले के छिलके तू कैसे बोला? और तू जरा लेवल में आके बात कर तो तेरी तो। और तुम लोग कहा आई है, है? शनिवार है जामनगर में। अरे तो भैंसन अपना पेट भरने के लिए घास फूस खाते है कि नहीं? खाती है। उसके बाद पानी पिए थे कि नहीं? पीती है। वो पानी उसके पेट में जाके दूध में मिलत है कि नहीं? मिलता है। तो दूध जो बाहर आता है उसमें पानी होगा कि नहीं? होगा। तो गंगा ठीक बोलता है ना कि दूध में पानी होता है? बिल्कुल ठीक बोला, गलती मेरे समझने में हुई है। तो बेटवा जरा बराबर समझा करो, कहा हुआ कि घुसा मारो तो शुक्र करो ये जमीन नरम थी, घुस गए अंदर कड़क होती तो भड़ से छोटे हो जाते हैं। दूध दे दो। हाँ ले लो। सुनो पैसा नहीं लेना। का है? अरे मारा तो जमीन में घुस गया यार। कितना? एक लीटर बगैर पानी के। का हेलो हेलो गंगवा, जरा भैया को फोन देना, मैं नेटवर्क बोल रहा हूँ, इमरजेंसी है। अरे गंगवा नहीं, हम भैया जी खुद बोल रहा हूँ। गांव का क्या हाल है और भोला कैसा है? गोला? कौन सा गोला? मेरे पेट में को गोला नहीं है। अरे गोला नहीं, भोला। भोला कैसा है? छोला? अरे को छोला खाने का टाइम है भैया जी, क्या हो गया आपको? अरे भाभी भी कमाल करती है, जो सागर को गागर और आलू को भालू सुनता है, ऐसे बहरे को फोन करने भेज दिया है। भेज दिया? कहीं दुकान वकान तो नहीं भेज दिया भैया ने? लाओ मुझे फोन दो। हेलो, मैं पारो बोल रही हूँ। हाँ बेटा, हम लोग भोला को न्यू इरा हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, आप यहाँ जल्दी आ जाओ। हाँ? तुम लोग गाँव से शहर आकर हमको खबर तक नहीं किया? अरे अच्छा चिंता नहीं करो, हम अभी आ रहा हूँ। अरे ठीक समझा दिया ना भैया जी, जरा कम सुनते हैं। मैं बह रहा हूं, चलो। पाई लगी भाभी। अरे कहाँ है, ना कोई चिट्ठी ना कोई तार, अचानक भोला की तबीयत इतनी खराब थी, तुमको खबर तो किया होता। दरअसल उसकी हालत ऐसी खराब हो गई थी भैया कि हम सब घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए हम लोग सीधा यहाँ चले आए। मगर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, गांव वाले भोला को जख्मी हालत में उठा कर लाए थे, किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारकर लहूलुहान कर दिया था। हे भगवान मेरे भोला को। अरे नहीं भाभी चिंता नहीं करो, तेरा भाई काय के लिए, हम भोला के इलाज में कोनो कमी आने नहीं देंगे। हाँ डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब मेरा भोला ठीक हो जाएगा ना? मैंने चेकअप तो कर लिया है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, उसका दोबारा चेकअप करना पड़ेगा, जिसके लिए स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा और इलाज के लिए काफी खर्चा आएगा। अरे आप खर्चे की चिंता नहीं करो, आप भोला का केवल इलाज करो, जितना भी खर्चा आएगा हम बर्दाश्त करेंगे। ठीक है सर, मेरे ख्याल से इस फाइल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भीष्मा की गाड़ी का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है कि उसके बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर। हो सकता है कि हादसे में भीष्मा की मौत हो गई। यस आई एम डेफिनेट सर, लेकिन फिर भी ये फाइल अभी बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि मौका वारदात पर भीष्मा की लाश नहीं मिली। ऐसी सूरत में मरने के बाद भी आदमी पुलिस रिकॉर्ड में कम से कम 3 साल तक जिंदा रहता है। Am I right, uncle? Absolutely right. और 3 साल पूरे होने में अभी पूरे 3 महीने बाकी हैं। By the way, इंस्पेक्टर, she is Miss भारती, भारती वर्मा, हमारे शहर की जानी मानी पत्रकार। हेलो मैम। हाय। भला आपको कौन नहीं जानता, गुंडे बदमाश पुलिस और कानून से ज्यादा आपकी कलम से डरते हैं सर। सिर्फ गुंडे बदमाश ही नहीं, कुछ पुलिस वाले भी मेरे नाम से घबराते हैं। By the way, करप्शन तो आज हर डिपार्टमेंट में है, और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारी पुलिस फोर्स में कुछ भ्रष्ट लोग मौजूद हैं, और वो शायद तुमसे इसलिए घबराते होंगे कि तुम उनका पोल ना खोल दो। अच्छा सर मैं अब चलता हूँ। जगावर साहब, बात तो रिश्वतखोर और बेईमान पुलिस वालों की चल रही थी, आप कहाँ चल दिए? नहीं सर, वो राउंड अप, आई हैव टू गो। ओके ओके सर। ओके भारती जी बैठो। भारती हाँ सुनाओ, तुम्हारा अखबार कैसा चल रहा है? ये तो एक चमत्कार है अंकल, जो अब तक हमारा अखबार चल रहा है, अदरवाइज ये बड़े बड़े नेता और अंडरवर्ल्ड के लोग तो इसे बंद करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं।
अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम उन लोगों के खिलाफ लिखती रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने जर्नलिज्म को कभी अपना पेशा नहीं समझा। मेरी नजर में एक सच्चा पत्रकार अपने मुल्क और समाज का सिपाही होता है, इसलिए ये उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी कलम की ताकत से अपने देश और जनता की रक्षा करे। तुमसे बातें करते करते तुम्हारे पिता सत्य प्रकाश की याद आ गई। वही तेवर, वही अंदाज, उन्हें भी अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने आदर्शों और अपने असूलों से ज्यादा प्यार था, इसीलिए वो भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अरे हाँ, तुम तो कोई गुड न्यूज देने वाली थी। अरे हाँ, बातों बातों में मैं आपको असली बात तो बताना भूल ही गई। कल अभिमन्यू का फोन आया था, उसकी पुलिस की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, वो वापिस आ रहा है अंकल। ये तो बहुत खुशी की बात है, और ये कामयाबी सिर्फ अभिमन्यु की नहीं, तुम्हारी भी है। जान जाए चाहे दिल जाए, तेरी जैसी कुड़ी मुझे मिल जाए। चाहे जान जाए चाहे दिल जाए, तेरी जैसी कुड़ी मुझे मिल जाए। आजा लग जा मेरे सीने से, आजा लग जा मेरे सीने से, जरा मेरी तबीयत खिल जाए। We'll be right back.
मेरा बदन ना छिल जाए। दीदी से मिलवाओगे ना? प्रिया, मैंने तुम्हारे बारे में दीदी को सब कुछ बता दिया। वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। मेरे भी पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। ये तो तुम्हारा ख्याल है। ये भी तो हो सकता है पापा तुम्हारी पसंद को ना पसंद भी कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता, क्योंकि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आज तक उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मुझे निराश नहीं किया। He is really great. Very good. अच्छा, पापा के अलावा घर में और कौन कौन रहते हैं? चाचा जी हैं और मेरे बड़े भैया। वो दोनों भी इतने अच्छे हैं कि जब तुम उनसे मिलोगे तो मेरा दावा है कि तुम उनके फैन हो जाओगे। चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछ लगाकर तू दुनिया को धोखा दे सकता है, मुझे नहीं। 5 करोड़ का माल अंदर करके हांगकांग में सेटल हो गया और तूने ये सोच लिया कि हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्यों? नागेश राणा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर आपको सारा पैसा दे दूंगा। सारा पैसा दे दूंगा। हांगकांग की तो तेरी सारी प्रॉपर्टी को वहां की गवर्नमेंट सील कर चुकी है और हमें यह भी पता है कि तू वांटेड है और वहां की पुलिस तुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। तो फिर ये 5 करोड़ रुपया तू कैसे वापस करेगा? है हराम की दौलत बाजार की औरत और मुफ्त की शराब हर आदमी को रास नहीं आती। हमारा धंधा बेईमानी का है जरूर, मगर भरोसे पे चलता है। तूने तो हमारे भरोसे का ही खून कर दिया। अब तो खुद बताएगा तुझे क्या इनाम दिया जाए। राणा साहब, एक बार माफ कर दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। मैं शेर पालने का आदि हूं, कुत्ते पालने का शौक नहीं है मुझे। दीदी, दीदी, अभिमन्यु, दीदी, ओ अभिमन्यु, यहाँ बैठ। आज मैं बहुत खुश हूँ अभिमन्यु। पिताजी की यही तो आखिरी तमन्ना थी कि तू जिंदगी में कुछ बन जाए। दीदी, ये सब तुम्हारी मेहनत और कोशिशों का फल है। अच्छा, ये सारा क्रेडिट तू मुझे क्यों दे रहा है? एक बड़ी बहन होने के नाते मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा किया, लेकिन जिंदगी के मैदान में तूने जो सफलता हासिल की है उसमें तुम्हारी मेहनत और लगन शामिल है। दीदी, क्या मैं नहीं जानता? मेरे जीवन में उजाला करने के लिए तुमने अपने सारे अरमान और खुशियों की बलि चढ़ा दी। मेरी जिंदगी को संवारने के लिए तुमने आज तक अपना घर भी नहीं बसाया। ये बड़ी बड़ी बातें कब से करने लगा तू? इतना चेंज कहां से आ गया तेरे अंदर? वो क्या है ना दीदी, अब मैं छोटा सा अभिमन्यु नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ, समझदार भी हो गया हूँ और जिम्मेदार भी हो गया हूँ। अच्छा मिस्टर जिम्मेदार जी, आप इतनी दूर से सफर करके आए हैं, कुछ भूख भूख तो लगी होगी आपको। अरे दीदी, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, चलो ना। अच्छा चलो, फिर पहले कुछ खाते हैं, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। ठीक है। ओके, चलो। सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु वर्मा रिपोर्टिंग सर। बी एट ईज, हैव ए सीट। थैंक यू। मुझे विश्वास है तुम अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाओगे। यस सर। मैं तुम्हें एक ऐसा केस दे रहा हूं जो तुम्हारे कैरियर की शुरुआत के लिए चैलेंज साबित होगा। ये फाइल तुम ध्यान से पढ़ लेना,
क्योंकि ये फाइल 3 महीने के बाद बंद हो जाएगी, और अगर ये केस तुम सॉल्व कर पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। भोला ले दूध पी ले। मैं दूध बूध नहीं पीऊंगा। काकी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे काकी के पास ले चल। अच्छा पहले दूध पी ले फिर चाची के पास ले जाऊंगी। ठीक है लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जाना। अच्छा बाबा नहीं जाऊंगी, दूध पी ले। ये तो भीष्मा है। हाय प्रिया। व्हाट अ सरप्राइज, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम पुलिस ऑफिसर हो। जब तुमसे मिला तब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी एज अ पुलिस ऑफिसर, आज मैं अपॉइंट हुआ हूँ। दैट मींस आज तुम्हारी ड्यूटी का पहला दिन है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओह बाय द वे मीट माय अंकल, माय ब्रदर एंड माय पापा। और पापा ये वही अभिमन्यु है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हेलो, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बेटे। प्रिया तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, एक मिनट के लिए मैं भी डर गया कि हमारे घर में पुलिस क्यों आई। पुलिस से तो चोर बदमाश स्मगलर लोग डरते हैं अंकल, आप जैसे शरीफ और इज्जतदार इंसान को किस बात का डर। यही तो मुश्किल है, आजकल पुलिस की इमेज इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि कानून किस वर्दी को गुंडागर्दी का लाइसेंस समझते हैं। आपके डिपार्टमेंट में बुरे लोग ज्यादा अच्छे लोग कम हैं। इसीलिए तो हम जैसे शरीफ लोग गुंडों से उतना नहीं डरते जितना पुलिस वालों से डरते। मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर से आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सत्य प्रकाश वर्मा जैसे सिद्धांतवादी पत्रकार का बेटा हूं और भारती वर्मा का भाई हूं। तुम्हारे परिवार के बारे में सुनकर बड़ी खुशी हुई। प्रिया अभिमन्यु पहली बार अपने घर आया है, जाओ उसे अपना घर दिखाओ, कुछ खातिरदारी करो। ओके पापा आओ। राणा साहब भीष्मा जिंदा है। क्या भीष्मा जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। न्यू इरा हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 13 में आप जाके देख सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि भीष्मा का हमशक्ल हो। उसकी असलियत जानने में वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, वो जो भी हो उसे अस्पताल से सीधा शमशान पहुंचा दो। भोला आप कुछ याद करने की कोशिश करो, आपके साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी जिसमें आपकी जान भी जा सकती थी। आप अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी बस या कार में जा रहे थे और आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हो। क्या तुम्हारे किसी दुश्मन ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी? कौन हो तुम लोग, अंदर कैसे घुसाए हो? नर्स जल्दी करो, इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। यस सर। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था, कुछ गुंडे से जान से मारना चाहते थे मगर पुलिस सायरन की आवाज सुनकर भाग गए। कौन है ये? ये बेचारा तो धर्मपुर गांव से यहाँ इलाज के लिए लाया गया है। गांव से इलाज के लिए यहाँ लाया गया? यहाँ पे उसको दुश्मन कौन आ सकता है? एनीवे डॉक्टर, जैसे ही मरीज को होश आ जाए आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, और इसकी हिफाजत के लिए मैं दोनों कॉन्स्टेबल्स को यहाँ ड्यूटी पे रख के जाता हूँ। ओके
थैंक यू इंस्पेक्टर। या डॉक्टर साहब, भोला की तबीयत कैसी है? भोला ठीक है, आप जाकर मिल सकते हैं। अच्छा। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना भोला? मैं भोला नहीं हूं, भीष्मा, भीष्मा, भीष्मा। रुकना नहीं, रुकना नहीं, जाने दे। उड़ा दे साले को। बोल, इस ट्रक में माल किसका है? बोल वरना बता दो, बता दो। क्या बात है इंस्पेक्टर, मैंने तो कई बार मैसेज भेजा मुझसे आकर मिलो, तुम आए नहीं। आज ये अचानक कैसे आना हुआ? जिंदगी में दो चीजें अचानक आती हैं राणा, एक मौत और दूसरा बुरा वक्त। नंदू ठाकुर इस वक्त मेरी हिरासत में है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। इंस्पेक्टर भीष्मा मुझे गिरफ्तार करने आया हुआ है, आप खुद ही बात कर लीजिए। लो आज ही साहब से बात कर लो। सर, इंस्पेक्टर भीष्मा, नंदू ठाकुर ने यह कहा है कि तुमने उसे जान से मार डालने की धमकी देकर राणा के खिलाफ जबरदस्ती बयान लिया है। लेकिन सर, ये लोग राणा के लिए ही काम करते हैं। ये लोग किसके लिए काम करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम कानूनन राणा को गिरफ्तार नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड? यस सर। आज से पहले भी एक सरफिरे इंस्पेक्टर ने मेरे घर में घुसकर मुझे गिरफ्तार करने की बात की थी, सिर्फ बात की थी। दूसरे दिन उसकी लाश अस्पताल के मुर्दा घर में पाई गई थी। शायद तुमने महाभारत नहीं पढ़ी है राणा, भीष्मा की मौत उसकी अपनी मुट्ठी में होती है, उसकी मर्जी के बिना यमराज भी उसे मार नहीं सकता।
और एक बात सुन लो, मेरा निशाना जुर्म की शाखाओं पर नहीं होता। मैं जहां भी जाता हूं जुर्म की जड़ों को काट कर फेंक देता हूं। इस वर्दी का सही इस्तेमाल करना सीखो। यह जो तुम्हारा कानून है ना, हम जैसे दौलत वालों के बिस्तर पर सोता है, उसके रखवाली करने के बजाय दलाली करना सीखो, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। कानून के बारे में तेरी राय जानकर यह अंदाजा भी लग गया कि तेरी बीवी या तेरी बेटी भ्रष्ट नेताओं या मिनिस्टर के बिस्तर पर जरूर सोती होगी। इंस्पेक्टर, जब तक मैं इस इलाके का इंचार्ज हूं, कानून से खेलने की कोशिश मत करना, वरना तेरी जिंदगी को मैं नरक बना दूंगा। डैड, डैड ये देखिए, उस 2% की भारती वर्मा ने आपके बारे में क्या क्या लिखा, देखिए। अच्छा लिखती है। भीष्मा के करियर में 4 चांद लगाकर उसने उसे कानून का एक सच्चा सिपाही बना दिया, और मुझे बादशाह, अंडरवर्ल्ड का बादशाह। राणा ड्रग्स का कारोबार करता है, राणा के शहर में गैर कानूनी धंधे हैं, राणा स्मगलिंग का बेताज बादशाह है। अच्छा लिखती है। हालांकि उसे इस बात का पता है कि उसके बाप को स्वर्ग का टिकट हमने दिया है, फिर भी हमारे खिलाफ तेजाब उगलने से बाज नहीं आ रही है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अगर आप कहें तो मैं उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा दूं। नहीं, उसे सिर्फ इस बात का एहसास दिला दो कि औरत की इज्जत शीशे की तरह नाजुक होती है। शीशा एक बार टूट गया फिर जुड़ नहीं सकता। मेरा बाप मौत का बहुत बड़ा सौदागर है, वो ड्रग्स का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, यही लिखा था ना तूने? अब एक खबर मैं बताता हूं, कल सुबह की अखबार में तू अपनी नंगी तस्वीर छपवा देना। आइंदा अगर तूने मेरे बाप के खिलाफ कुछ लिखने की कोशिश की तो मैं तेरे जिस्म पर ऐसे लेख लिखूंगा कि तू जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। हेलो इंस्पेक्टर, समाधान की पत्रकार भारती पर अत्याचार हुआ है। I'm coming. आप में से भारती कौन है? मैं हूँ। पुलिस हमेशा देर से ही आती है, अब किस लिए आए हो इंस्पेक्टर? बयान लेकर अपनी ड्यूटी पूरी करने या मेरी बेइज्जती का तमाशा देखने? नागेश को जो करना था वो तो करके चला गया, मगर ये मत समझना कि उसने सिर्फ मेरी इज्जत उतारी है बल्कि उसने सरेआम तुम्हारे कानून को भी नंगा कर दिया। आज उसने मेरे कपड़े उतारे, कल मेरी इज्जत लूट सकता है, परसों मुझे जान से भी मार सकता है, मगर इसके लिए मैं तुम्हारे कानून से मदद मांगने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम जैसे कानून के रखवालों ने चंद रुपयों के लिए कानून को तबाह बना रखा है। धंधा करवाते हो तुम कानून से, चले जाओ यहां से। तुम और तुम्हारे पुलिस वाले नागेश राणा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपको यकीन है कुछ नहीं हो सकता है तो इन गुंडों के खिलाफ लिखती क्यों है? चुपचाप बैठ के तमाशा देखिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती,
इस देश की बेटी होने के नाते मेरा जो फर्ज है उसे मैं जिंदगी के आखिरी लम्हों तक निभाऊंगी। मैं उनके खिलाफ लिखती रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो मैं भी उन पुलिस वालों में से नहीं हूं जो कानून की दलाली खाते हैं। ये वर्दी भीष्मा की शान है, किसी राणा के घर की रखेल नहीं। इंस्पेक्टर भीष्मा जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज से मोहब्बत करता है और जहां भी जाता है अपराध का नामो निशान मिटा देता है। Yes, you are under arrest. Hey, इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार करेगा तू? तू जानता है मैं कौन हूं? तू चाहे किसी भी नस्ल का हो, आज के बाद भौंकना भूल जाएगा। इंस्पेक्टर, कानून का ये डंडा जब ऊपर से डालता हूं ना तो बड़े बड़े रंगबाज की नीचे से हवा निकल जाती है। इंस्पेक्टर भीष्मा पुलिस लॉकअप में टॉर्चर नहीं करता। ये कमजोर लड़की पर मर्दानगी दिखाने आया था साला। चल कपड़े उतार, कपड़े उतार वरना भून के रख दूंगा। ये भी उतार के रख देता, या मां बहन मौजूद हैं। चल माफी मांग। मांग, मुझे माफ कर दो। सुनिए, मैं बयान देने के लिए तैयार हूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है तोड़े, रात के 3 बजे मेरे बेटे को भीष्मा ने गिरफ्तार किया, अभी सुबह हो गई, अभी तक वो पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं आया? साहब, इसकी हालत देख के तो लगता है कि इसकी कुत्ते की तरह पिटाई हुई है। अभी तो चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? अरे क्या हुआ? ये अब कुछ नहीं बोलेगा राणा, मैंने इसकी बोलती बंद कर दी है। वकील साहब, नागेश का बेल ऑर्डर इंस्पेक्टर को दे दीजिए। तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन घर जाकर इसे समझाना कि जो सबक मैंने इसे सिखाया है उसे हमेशा याद रखे। आइंदा अगर इसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन आई तो मैं इसे चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके इंस्पेक्टर, लेकिन अब मेरी बारी है, जरा संभल के रहना। संभाल के रहने की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है, क्योंकि तेरी कुंडली में शनि प्रवेश कर चुका है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सारे काले धंधे बंद कर दो, वरना जिस दिन कानून के गिरफ्त में आ गया ना, तुम्हारे मुंह में काली पोत कर टट्टू पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाऊंगा। अनुप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है।
अरे भाई रामदास, ये अनु नाराज क्यों है? अब मुझे क्या पता, आप अनु से ही पूछ लीजिए। क्यों दोस्त, ये अनु नाराज क्यों है? यहां तो सबके तेवर बदले हुए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरी प्यारी बहना मुझसे रूठी हुई क्यों है? तुम्हें कुछ याद है, आज मेरे कॉलेज का एनुअल फंक्शन था और तुम्हें मेरे साथ वहां जाना था। अरे हाँ सॉरी, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहा। ये बात नहीं है भैया कि याद नहीं था, ये बोलो कि मेरे साथ जाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं था। अरे बानो अनु, अरे रामदास ये मामला तो बहुत सीरियस है। हाँ। और रुटी हुई बहना को मनाने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, करोगे ना? बिल्कुल भाई कमांडर, प्लीज। तेरे बिना दुनिया है क्या, तू ही तो है दुनिया मेरी। तेरे बिना दुनिया है क्या, तू ही तो है दुनिया मेरी। जो तेरा गम वो मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी। ओ प्यारी बहना तेरे बिना दुनिया है क्या, तू ही तो है दुनिया मेरी। जो तेरा गम वो मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी। ओ प्यारी बहना तेरे बिना दुनिया है क्या, तू ही तो है दुनिया मेरी। जग सारा मुझसे तू कभी ना रूठे, तेरे मेरे प्यार का प्यारा प्यारा बंधन जन्म जन्म ना टूटे। हाँ रूठे जग सारा मुझसे तू कभी ना रूठे, तेरे मेरे प्यार का प्यारा प्यारा बंधन जन्म ना टूटे। तू खुश रहे हंसती रहे, मांगो दुआ मैं तो यही। ओ प्यारी बहना तेरे बिना दुनिया है क्या, तू ही तो है दुनिया मेरी। जिस बस्ती के अंदर भीष्म ने मुझे नंगा किया है, 24 घंटे के अंदर उसी बस्ती में मैं उसकी चिता जलाऊंगा। नहीं भतीजे नहीं, भीष्मा को जान से मार देने में हमें उतनी खुशी नहीं होगी जितना मजा उसकी नाक जमीन पे रगड़ने में आएगा। प्रताप ठीक कहता है, शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं होगी तो उसे सजा का एहसास नहीं होगा। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा जिसकी तकलीफ से वो सारी जिंदगी तड़पेगा और दुनिया के आगे सर उठा के चल नहीं पाएगा। अनु, अनु ये बॉक्स कहां से आया? अरे कमाल करते हो भैया, तुमने तो किसी के हाथ से भिजवाया और अब पूछ रहे कहां से आया? ये मैंने भिजवाया। Ha 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 ha!
तो हमारी इंफॉर्मेशन सही निकली। ये विदेशी हथियार आपके पास आए कहां से भीष्मा जी? मैं जानता हूं कि ये हथियार आपके नहीं है, पर बरामद तो आप ही के घर से हुए हैं, है ना भीष्मा जी? तो चलिए आपकी खातिर तो आजा करते, चलिए। राणा साहब ने तेरे खिलाफ झूठा केस और गवाह तैयार कर ली है भीष्मा जी। जगावर, तेरी मौत मेरे हाथों होगी। तू जब भी मरेगा मेरे ही हाथों मरेगा। तू मेरे को मारेगा? तू जगावर सिंह को मारेगा? अब तो मेरी ताकत का अंदाजा हुआ कि नहीं भीष्मा? तूने तो मुझे कहा था कि तुम्हारे चेहरे पर कालिक पोत कर तुम्हें पूरे शहर में घुमाऊंगा। वो तो तुम कर नहीं सके। लेकिन इस वक्त मेरा बेटा तुम्हारी बहन के मुंह पे ऐसी कालिक पोतेगा जो जिंदगी भर नहीं मिटेगी। जिस बस्ती में तूने मेरे बेटे को नंगा किया था ना, उसी बस्ती में इस वक्त मेरा बेटा तुम्हारी बहन के कपड़े उतार रहा होगा। चिल्ला और जोर से चिल्ला। तू यहां चिल्ला और वहां तेरी बहन चिल्ला चिल्ला कर बस्ती वालों से मदद की भीख मांगती होगी। अरे द्रौपदी के चिरहरण के वक्त पर भगवान श्री कृष्ण आए थे, लेकिन तेरी बहन की इज्जत बचाने यहां कोई नहीं आने वाला। अच्छा मौका है जगावर, इनकाउंटर के बहाने खत्म कर दो उसे। खत्म समझिए, सब खत्म।
छोटी बहन की चिता और बड़े भैया की आंखों में आंसू। तू कितना अभागा हो गया रे भीष्मा। तो तुम ये इंफॉर्मेशन देने आए हो हमें कि भीष्मा तुम्हारे हाथों से निकल गया। वाह, क्या कारनामा अंजाम दिया है तूने, और इस बहादुरी के लिए तुझे बहुत बड़ा मेडल मिलना चाहिए, है ना? अरे लानत है तेरे मर्द होने पर। तुम वहां अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ और पुलिस वाले भी थे। उन लोगों के होते हुए भी तुम्हारे हाथों से भीष्मा बचकर निकल गया। अरे पता नहीं इसकी पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती कैसे हो गई। ये साला तो किसी अपाइज घर का चौकीदार बनने के लायक भी नहीं है। मुझे अफसोस है कि भीष्मा मेरे हाथ से बचकर निकल गया। प्रताप राणा साहब, मुझे सिर्फ एक मौका और दीजिए, सिर्फ एक मौका। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं भीष्मा की लाश आपके कदमों में डाल दूंगा। अरे अब तुम क्या कर लोगे 24 घंटे के अंदर? और हाँ, हमारे धंधे का असूल है या तो दुश्मन को मार डालो या खुद मर जाओ, और पीठ दिखा कर आने वाले को हम शमशान घाट का रास्ता दिखा देते हैं। इतनी बड़ी गलती अगर हमारे किसी आदमी ने की होती ना, तो उसे मैं मौत का इनाम देकर जिंदगी से रिटायर कर देता। मगर तू पुलिस वाला है, तुझसे ज्यादा तेरी वर्दी हमारे काम की है, इसलिए आज मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। कल तक मुझे किसी भी हाल में भीष्मा चाहिए। आप बेफिक्र होकर सो जाइए राणा साहब, कल सुबह के अखबार में भीष्मा की मौत की खबर पढ़ लेना। हेलो, जरूर है भीष्मा की गाड़ी है, यहीं कहीं छुपा होगा, घेर लो उस गाड़ी को, चलो जल्दी। तो नहीं ढूंढो चारों ओर, यही कहीं छुपा होगा।
बरसों ने मेरी हंसते खिलती दुनिया बर्बाद कर दी, मेरे माथे पर अपराधी की मोहर लगा दी। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा चाचा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उन पापियों को छोड़ना भी नहीं चाहिए बेटा, उन कमीनों को ऐसी मौत मानना चाहिए कि एक बार यमराज भी घबरा के आंखें बंद कर ले। पर बेटा पहले तेरा यहां से निकलना बहुत जरूरी है, पुलिस तेरा बयान लेने के लिए आएगी, उनको भूल के मत बताना कि तेरी याददाश्त वापिस आ चुकी है। ये बताना बेटा, हेलो डॉक्टर। हेलो, मरीज जोश में आ गया? जी हाँ, आइए मेरे साथ आइए। यू आर अंडर अरेस्ट, गिरफ्तार कर लो इसे। ठहरो भाई, ठहरो ठहरो, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ये हमार भोला का अपराध किया है जो आप उसे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं? ये जो आपका भोला है ना, इसने सिर्फ 3 हवलदार और 2 सब इंस्पेक्टर का खून करके पुलिस को लॉकअप से भाग गया। ये भोला नहीं, भीष्मा है। ए चाचा जी, ये लोग मुझे भीष्मा क्यों कह रहे हैं? मेरा नाम तो भोला है ना? हाँ, पुलिस स्टेशन चलकर तुम्हारा ये सारा भोलापन भूलकर तुम्हें अपना असली नाम याद आ जाएगा। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर, ही इज जस्ट फूलिंग यू, ही इज अ ड्रेडेड क्रिमिनल एंड अ ट्रेटर। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर, यू कैन नॉट अक्यूज हिम ऑफ बीइंग अ ट्रेटर। यू आर अ कॉप, इट डजंट मीन दैट यू कैन अक्यूज एनीबॉडी ऑफ बीइंग अ ट्रेटर। एंड सो फार इज क्वेश्चन ऑफ अरेस्ट इज कंसर्न, ही कैन नॉट बी अरेस्टेड, दो ही मे बी भीष्मा। Because he is a patient of amnesia and he cannot be trial in any court of law unless he gets his memory back. Is it clear or should I repeat it again? ये जौनपुरी भैया ऐसी बहुत सारी कानून की किताबें चाट चुका है। मरकाए के सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बनाना, ये धंधा अपने को जमा नहीं। इसीलिए BA LLB करने के बाद भी वकालत का काला कोट नहीं पहना, गाय का दूध बेचना शुरू कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। अदालत में इन पर मुकदमा तो नहीं चलाया जा सकता, लेकिन कानूनन इनको पुलिस की कस्टडी में लिया जा सकता है। ये तो आप जानते ही होंगे, BALLB। हाँ, बिल्कुल रखा जा सकता है। आज से इनका इलाज पुलिस की निगरानी में होगा। सॉरी टू ट्रबल यू। मुबारक हो। वो भोला हो या भीष्मा, फिलहाल इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। अभी अभी अस्पताल से ये खबर मिली है कि वो अपनी याददाश्त खो बैठे। ये भी तो हो सकता है डैड कि वो अपनी याददाश्त खो जाने का बहाना करके हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश करने वाला हो। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, फिर भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो एक फरार मुजरिम है और फांसी का फंदा उसका कब से इंतजार कर रहा है। अगर वो हमारी तरफ बढ़ा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, और अगर कानून के हाथ लग गया तो कानून उसे नहीं छोड़ेगा। उधर नहीं, इधर। हाँ, इधर चल। ए, अंदर कहाँ घुसा जा रहा है? ए, तू हवलदार है कि जमादार? हवलदार। हवलदार? दिखता तो नहीं है? लगता तेरा डिम्मा का टोकरी के अंदर भेजे के जगह कचरा पड़ेला है। ये तू मेरे को नहीं पहचानता? तू मेरे को नहीं पहचानता? एक मिनट आओ, नीचे देखनी। तू मेरे को नहीं पहचानता? ये डॉक्टर माचिस वाला, ये बोले कि हूँ कौन छू? अरे गल्ला कांडर का साइलेंसर लगा, आवाज निकालनी। कमाल करते हो, इनको नहीं जानते हो कितने बड़े डॉक्टर हैं? भेजे का स्पेशलिस्ट, भेजे का डॉक्टर, इनका नाम नहीं सुना? BJP वीर जी पनीर जी दूध वाला। दूध वाला? यहाँ किसी को दूध वूध नहीं पीना, जाओ यहाँ से। ये दूध निकालने वाला भैया दूध वाला नहीं है, इनका सरनेम दूध वाला है बाबा। इनका फोटो छपता है अखबार में, इनका टेलीविजन पे इंटरव्यू आता है। येड़ा टीवी में?
तुम्हारे पुलिस स्टेशन में टीवी है? है? कौन से चैनल में? तेरे को चैनल मांगता है? CH Plus? चौरसिया प्लस नवा चैनल खुले ला है, तेरे टेलीविजन में नहीं लगेगा। तेरे टेलीविजन में लगेगा तो तेरे भेजे का चैनल उड़ जाएगा। निडू रास्ता को ऊपर भीख मांगता फिरेगा, अल्लाह के नाम पे दो पैसा, मालिक के नाम पे दो पैसा, अल्लाह के नाम पे। माफ करो, अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं। परमिशन ना ठीक है, ओके हम जाता है। मगर मेरे को इंस्पेक्टर अभिमन्यु बॉम्बे से फोन करके बुलाया, बोला उसका मैं क्या नाम है उसका, भीष्मा, भीष्मा का ऑपरेशन करके उसका दिमाग के अंदर उसका याददाश्त डाल दो जो चला गया है। तो ऑपरेशन करके ठीक करने वाला था, अभी टू बोलता तो मैं जाता है, मगर वो आके तेरे को डिमोट करके हवलदार से जमादार नहीं बना के, तो मेरा नाम नहीं। अरे ठहरो, अरे नहीं, अरे ठहरो, अरे नहीं, अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपको इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने भेजा है? आप अंदर जा सकते हैं, बार बार अंदर जा सकते हैं। तेरा हाथ निकल, बस मारता है। छोकरी डिग्री, ओ तो मैं काम करूं, वो अंदर जाने ऑपरेशन करूं जो, तुम अंदर जाके थोड़ा काम संभाल लेना, जा चलने साला मुंह चक्र। क्या टांगे? तू 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 तारा फस गया दिल बेचारा, जाने तमन्ना वादा है वादा। चाची खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। आपने दो दिन से खाना नहीं खाया, भीष्मा के बगैर कुछ जी नहीं करता। हवलदार, घर की तलाशी लो। क्या बात है थानेदार साहब? भीष्मा कहाँ है? भीष्मा? कौन भीष्मा? वही जो तुम्हारे लिए भोला है, वो एक खूनी कानून से भागा हुआ मुजरिम है। आपको गलत फहमी हुई है थानेदार साहब, हमारा भोला अपराधी नहीं हो सकता। वो सिर्फ देखने में तार जैसे लंबा है, लेकिन रत्ती पर अक्ल नहीं है उसे। जो अपने कपड़े ठीक से पहन नहीं सकता, वो भला किसी का खून कैसे कर सकता है? अगर वो वाकई में भीष्मा नहीं भोला है, तो वो हॉस्पिटल से भागा क्यों? साहब यहाँ तो कोई नहीं है। देखो तुम दोनों की भलाई इसी में कि बता दो भीष्मा कहाँ है, वरना तुम दोनों को पुलिस से चले जाऊंगा। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, क्या फर्ज निभा रहे हैं आप। अपनी वर्दी की धौंस क्या गरीब और कमजोर लोगों पे दिखाना जानते हैं आप? अरे भीष्मा अगर अस्पताल से भाग गया है तो उसमें ईलो का क्या दोष है? उसको ढूंढना और गिरफ्तार करना तोरी ड्यूटी है, जाके करो। मुझे अपनी ड्यूटी मत सिखाओ। एक मुजरिम का साथ देने वाला कानून के नजर में मुजरिम होता है। इस जुर्म में आप सब लोगों को अरेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा तो फिर देर किस बात की है? लगाओ हथकड़ी, ले चलो हम सबको थाने। मगर इससे पहले मेरी एक बात का जवाब दो इंस्पेक्टर साहब, भीष्मा अगर मुजरिम बना है तो उसको मुजरिम बनाने का जिम्मेदार कौन है? तोहरा पुलिस डिपार्टमेंट। चंद खाकी वर्दी में छुपे हुए मुजरिमों ने उसको अपराधी बनाया, और भीष्मा का कसूर खाली इतना था कि उसने राणा के आगे सर नहीं झुकाया, राणा के हाथों में अपना फर्ज और ईमान नहीं बेचा। अगर गिरफ्तार करना है तो जाके उस राणा को गिरफ्तार करो जो दिन दहाड़े कोई भी जुर्म करा सकता है, किसी को अगवा करा सकता है, किसी का कत्ल करा सकता है, इन दाड़े किसी की इज्जत लुटवा सकता है। थानेदार साहब, कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में लिखे नहीं जाते हैं। ऐसे जुर्म को वक्त अपनी किताब में अपने हाथ से लिख लेता है, और फिर ऐसे जुर्म का फैसला भी वक्त ही करता है। भीष्मा वक्त की कोख से जन्म लिए हुआ एक ज्वालामुखी है जिसको भी बहुत सारे बदले लेने हैं। ऐसे ज्वालामुखी को तुम्हारा कानून अपनी जेल की सलाखों में कभी बंद नहीं कर सकता है, कभी बंद नहीं कर सकता है। साहब इस फाइल में सच्चाई आपको नहीं मिलेगी साहब,
पर इसमें तो वो केस है जो इंस्पेक्टर भीष्मा के खिलाफ बनाया गया था। अब साहब इस फाइल में यह नहीं लिखा होगा कि इंस्पेक्टर भीष्मा की बहन के साथ बलात्कार किया गया है। आतंक का ये नंगा नाच लोगों ने अपनी आंखों से देखा है साहब, और मैं करता भी क्या? अगर मैं उनके खिलाफ आवाज उठाता तो मेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती। वारे ऊपर वाले, तेरा भी अजीब इंसाफ है। अरे जिसे जेल की काल कोठरी में होना चाहिए था वो तो खुलेआम घूम रहा है, और भीष्मा जो ईमानदारी की एक मिसाल था उस पर आतंकवाद का आरोप लगा दिया। मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराना मां, दोषी नहीं ठहराना। Ah!
हेलो। तेरे जन्मदिन पर भेजा हुआ तेरे भाई की मौत का तोहफा कैसा लगा राणा? अभी तो सिर्फ तेरा एक ही हाथ कटा है, दूसरा बाकी है, उसे भी बहुत जल्द अलग कर दूंगा। हेलो इंस्पेक्टर। भीष्मा पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। तुम्हारे लिए बड़ी शर्म की बात है इंस्पेक्टर। भीष्मा को तो पुलिस तलाश कर रही है, आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। लेकिन आप क्यों इतने परेशान लग रहे हैं? क्योंकि वो मेरे भाई का कातिल है। जानता हूं। सब कुछ जानते हुए भी इतनी लापरवाही से बैठे हो इंस्पेक्टर। इस लापरवाही के लिए तुम्हें तो मेडल मिलना चाहिए। मेडल तो मुझे जरूर मिलेगा राणा साहब, मगर उस दिन जिस दिन एक बेकसूर को फांसी के फंदे से बचाऊंगा और एक सफेदपोश मुजरिम को बेनकाब करूंगा, उसके गले में सबूतों की जंजीर डालकर उसे कुत्ते की तरह घसीटता हुआ अदालत तक ले जाऊंगा, और वो मुजरिम मेरी नजरों से दूर नहीं है। बोलने और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है इंस्पेक्टर। पैरों से मसल कर चिंगारी बुझाई जाती है, ज्वालामुखी नहीं। जुल्म का सर चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, एक न एक दिन उसे कानून के कदमों में झुकना ही पड़ता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेरे पापा पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए। क्या तुम जानते हो समाज में उनकी कितनी इज्जत है, कितना नाम है, कितना सम्मान है उनका? प्रिया, ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। तुम्हारी नजरों में तुम्हारे पापा एक शरीफ आदमी होंगे, मगर कानून के नजरों में वो एक बहुत बड़े मुजरिम है। प्रिया, ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि कल जब मुझे उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा तो मेरे फर्ज और हमारी मोहब्बत के बीच में नफरत की दीवार नहीं खड़ी होनी चाहिए। प्रिया, यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम पुलिस वालों को तो बस हर बड़ा आदमी मुजरिम नजर आता है। आज मुझे पता चला कि तुम्हारी नजरों में मेरे पापा के लिए कितनी इज्जत है, और जो आदमी मेरे पापा के खिलाफ हो मैं उससे कभी रिश्ता नहीं जोड़ सकती। गुड बाय। क्या बात है डैड, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इंस्पेक्टर अभिमन्यु को शायद मेरी असलियत का पता चल चुका है, और वो भीष्मा को बेगुनाह साबित करके मुझे सजा दिलवाने का ख्वाब देख रहा है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है डैड, देखने दीजिए उसे ये ख्वाब। जिस दिन उसने हमारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश की उसका भी वही हाल होगा जो इंस्पेक्टर भीष्मा का हुआ था। मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु की उससे भी बदतर हालत देखना चाहता हूं। ऐसा ही करूंगा डैड, ऐसा ही करूंगा। बात है अभिमन्यु, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। कोई खास बात नहीं दीदी। समझ गई, तुम्हारा प्रिया से जरूर कोई झगड़ा हुआ है, तभी तो कल रात से अपसेट हो, है ना अभिमन्यु?
प्रिया। आप लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूं। अभिमन्यु, आई एम सॉरी अभिमन्यु, मैं पापा की असलियत जान चुकी हूं और हमेशा के लिए उनसे रिश्ता तोड़कर तुम्हारे पास आई हूं। प्रिया, मेरे ख्याल से तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि आज तक तुमने ऐशो आराम की जिंदगी जी है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जिंदगी की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। मैं जिंदगी में तुम्हारे साथ बड़े से बड़ा दुख का सामना कर सकती हूँ। पापा का घर तो क्या, मैं तुम्हें पाने के लिए दुनिया भी छोड़ सकती हूँ।
भैया कहाँ है? चिल्लाओ मत राणा, तुम्हारी इज्जत इस वक्त मेरी मुट्ठी में है। और वैसे भी एक बाप को अपनी बेटी के ससुराल में सर झुकाकर और धीरे बात करनी चाहिए। ये तुम्हारा और तुम्हारे भाई का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं अपनी बेटी की चिता जला दूंगा, मगर अपने जीते जी उसे तुम्हारे घर की बहू नहीं बनने दूंगा। तुम हार चुके हो राणा, तुम्हारी हालत इस समय पिंजरे में बंद उस शेर की तरह है जो दहाड़ तो सकता है मगर वार नहीं कर सकता। तुम्हारी बेटी इस घर की बहू बन चुकी है। मैंने और प्रिया ने मंदिर में शादी कर ली है। ए, बकवास बंद कर, वरना भी तेरी अर्थी उठाने का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं नागेश, अगर तुम्हें अर्थी उठानी है तो इस घर से एक नहीं दो अर्थियाँ उठेंगी। मेरा सुहाग उजाड़ने से पहले तुम्हें मुझे खत्म करना पड़ेगा। तुम्हारी ये मजाल कि आज तुम अपने बड़े भाई के साथ बदतमीजी पर उतरे? इसलिए कि तुम भाई कहलाने के काबिल नहीं हो। अरे भाई तो वो होता है जो अपनी बहन की सुहाग की रक्षा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, मगर तुम भाई नहीं कसाई हो जो मेरी मांग का सिंदूर मिटाना चाहते हो। चलाओ गोली और खत्म कर दो हमें। अगर तुम ऐसे ही मरना चाहती हो तो ठीक है। ये क्या पागलपन है नागेश? छोड़ दीजिए मुझे डैड, इसने आपके नाम आपकी इज्जत पर ठोक दिया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोडूंगा। पागलपन मत कर, तू आ चल, जा बाहर, मैं कहता हूं बाहर जा तू। तुमने बिल्कुल सही कहा भारती, मैं हार गया हूं। एक बाप कितना भी कमी ना क्यों ना हो, अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने विधवा होते हुए नहीं देख सकता। दौलत कमाने की हवस में मैं राक्षस बन गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है। नागेश ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के तुमसे क्षमा चाहता हूं। प्रिया को अपने घर की बहू बनाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है भारती, लेकिन दुनिया वालों के मुंह पे ताला तो नहीं लगाया जा सकता ना। दुनिया वाले तो कहेंगे ही ना कि राणा साहब की बेटी घर से भागकर अपने आशिक के साथ। दुनिया वाले तो हंसेंगे, इज्जत की नजर से नहीं देखेंगे इस शादी को। मैं चाहता हूं मेरी बेटी की शादी समाज के रस्म और रिवाज के अनुसार धूमधाम से हो जाए। तुम अपने भाई की बारात मेरे घर पर लेकर और मैं सारी दुनिया के सामने अपनी बेटी का हाथ अभिमन्यु के हाथ में दू। नहीं राणा साहब, आप एक अपराधी हैं, मैं एक पुलिस ऑफिसर, मेरी बारात आपके घर नहीं आ सकती। कोई जन्म से अपराधी नहीं होता बेटा, वक्त और हालात अच्छे भले इंसान को अपराधी बना देता है। मैं तुमसे वादा करता हूं जिस दिन प्रिया को मैं अपने घर से विदा करूंगा उस दिन अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा और यही मेरा प्रायश्चित होगा। अभिमन्यु, पश्चाताप से बढ़कर इंसान के लिए और कोई सजा नहीं है। प्रिया को इनके साथ जाने दो। आओ बेटी, ना मुन्ना ना, रोना नहीं, चलो आ मेरे साथ। मैंने तुम्हें इसलिए यहां बुलाया है कि तुम काकी और नटवर के साथ गांव चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें किसी किस्म का खतरा पैदा हो। नहीं बोला, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। अरे पगली,
तू ये समझती है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे रास्ते में हर कदम पर बारूद बिछा हुआ है, मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर मौत खड़ी हुई है। प्यार सिर्फ एक दूसरे को पाने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए मर मिटने का नाम भी है। जाओ पारो, काकी तुम्हारी राह देख रही है। गोली लग गई है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं भारती, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। तो चलिए मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। अच्छा भारती, मैं चलता हूँ। तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए एहसान मंद रहूंगा। बाहर पुलिस की कड़ी नाकाबंदी है, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। मेरी फिक्र मत करो, मैं चला जाऊंगा। मेरा मकसद मेरी जिंदगी और मौत के बीच एक दीवार है। जब तक मैं राणा और उनके साथियों को खत्म नहीं कर दूंगा, मरूंगा नहीं। You are under arrest! नहीं इंस्पेक्टर, राणा की मौत से पहले मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। उन अपराधियों को सजा देने के लिए कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने अपने आप के लिए फांसी का फंदा तैयार कर लिया है। मेरा अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे लिए उन कमीनों की मौत बहुत जरूरी है। अपना फर्ज और अपनी बहन की राखी का फर्ज अदा करने के लिए अगर मैं मर भी गया ना, तो मैं समझूंगा कि मुझे कामयाब मौत मिली है। भीष्मा रुक जाओ, देखो मुझ पर भरोसा करो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ये वर्दी तुमने अभी अभी पहनी है इंस्पेक्टर, कानून को तुमसे ज्यादा करीब से मैं जानता हूं। इंसाफ दिलवाना चाहते हो? क्या इंसाफ दिलाओगे? तुम्हारे कानून ने मुझे आतंकवादी और देशद्रोही जैसी गाली दी है जो कभी मिट नहीं सकती, जो एक गहरा घाव बनकर मेरे सीने में उतर चुकी है। जख्म तो तुम्हारी बहन ने भी छुपा रखा है अभिमन्यु। नागेश ने मुझ पर जो जुल्म किया उसकी कहानी को मैंने आज तक तुझसे छुपाए रखा, लेकिन आज सब कुछ बताऊंगी तुझे। भीष्मा की बहन की इज्जत इसलिए लूट ली गई क्योंकि इसने तेरी बहन की इज्जत बचाने के लिए नागेश को गिरफ्तार किया था। सच्चाई लिखने के अपराध में नागेश ने मुझ पर जो अत्याचार किए हैं उसे सुन नहीं सकेगा तू। उसने सारी बस्ती वालों के सामने मुझे तमाचा मारा,
अभिमन्यु, मैं तो एक पत्रकार हूं, दुनिया और समाज से लड़ने की हिम्मत है मुझ में, इसलिए मैंने वो जिल्लत बर्दाश्त कर ली और खुदकुशी नहीं की। लेकिन इनकी बहन अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने भी फैसला कर लिया है, इस पुलिस की नौकरी को इस्तीफा देकर तुमसे मिलकर उन लोगों से बदला लूंगा जिन्होंने मेरी दीदी की बेइज्जती की है। ये काम तुम पुलिस फोर्स में रहकर भी कर सकते हो, क्योंकि दुश्मन की लिस्ट में एक ऐसा दुश्मन है जिसे मैं कानून के हथियार से मारना चाहता हूं। मान जाइए, मान जाइए, बात मेरे दिल की जान जाइए। तुमसे तो शादी करके मेरी किस्मत ही फूट गई, घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ मैं। शादी के पहले तो बड़े बड़े सपने दिखाए, बंगला बनवाऊंगा, कार खरीदूंगा। अरे डार्लिंग, कार भी खरीदूंगा, बंगला भी बनवाई दूंगा, एक बंगला बने प्यारा। मायूस ना हो डार्लिंग, जब तक राणा साहब का कमीना सा हाथ मेरे ऊपर है, अरे बड़े पैसे हैं, बस एक बार भीष्मा का बच्चा मेरे हाथ में लग जाए फिर तो डॉलर ही डॉलर है, पैसे ही पैसे हैं। अरे तेरे को कंगन ले दूंगा, तुझे खूबसूरत ये भी ले दूंगा, अरे छे छे मंगल सूत्र ले दूंगा, राज करेगी राज, हाथ में होगा रिमोट कंट्रोल, बटन दबाएगा सामने दरवाजा खुलेगा। ची तो बटन भी नहीं दबाया, दरवाजा खुल गया और पेटी भी अंदर आ गई। लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। लेकिन ये जाओ ना, इसे खोलो ना। बापू जी ये कहां से आ गया? अरे ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं, मुझे पता ही नहीं। ढाई साल पहले जो खेल तुमने इंस्पेक्टर भीष्मा के साथ खेला था ना, वही खेल आज तुम्हारे साथ दोहराया जा रहा है। यू आर ए ब्लडी टेररिस्ट, अरेस्ट हिम, लगा हाथ कड़ी। जानती हो मेरा नाम जगावर सिंह है, जगावर। अच्छा नहीं होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा राणा साहब। हाँ हाँ, अंजाम तो तुम्हारा और राणा साहब का भी बहुत बुरा होने वाला है। लेके जाओ इंस्पेक्टर, तुम अभी तक जगावर सिंह को जानते नहीं हो। टेस्ट टेस्ट कर दूंगा। साला जगावर सिंह तोड़े नाम है मेरा, यहाँ का बादशाह हूँ, बादशाह। अभिमन्यु खोल, मुझे खोल, खोल। ए सुअर की औलाद, ए सुअर की औलाद, रामदास खोल, कुत्ते खोल दा। एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। चुप चुप साला, तक एक बार खोल दो वर्दियां उतरवा दूंगा, वर्दियां खत्म कर दूंगा, सबको खत्म कर। कुछ याद आया जगावर? उस दिन बाजी तेरे हाथ में थी, आज मेरे हाथ में है। जो चाल तूने मुझ पे चली थी, आज उसी चाल के चाल में तू फंस गया है। मैंने तुझे कहा था ना कि तू मरेगा तो मेरे हाथों मरेगा। उस दिन तूने मुझे बांध के मारा था, आज मैं तुझे खोल के मारूंगा। तू रुक क्यों रहा है? हंसना हंसना रे। मेरे को
दे, मुझे माफी दे दे, तेरा और तेरे भाई समान है, माफी दे दे, दे दे। झूठ है, एक बनी बनाई कहानी है। जगावर एनकाउंटर में नहीं मारा गया बल्कि उसकी हत्या की गई है। मुझे तो लगता है इंस्पेक्टर अभिमन्यु भी इस खेल में शामिल है, क्योंकि जिस तरह से भीष्मा को हम लोगों ने फंसाया था, बिल्कुल वही कहानी जगावर के साथ दोहराई गई है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समुंदर की मौज कितनी भी तेज क्यों ना उठे, आसमान को कभी छू नहीं सकती। भीष्मा के साथ साथ इंस्पेक्टर अभिमन्यु की मौत भी हमारे ही हाथों होगी। इससे पहले प्रिया को हमें कहीं दूर भेजना पड़ेगा। कल ही सिंगापुर से मेरा दोस्त डेविड गोम्स, जो कि वहां का एक डायमंड किंग है, अपने बेटे जेम्स के साथ यहां आ रहा है। हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही है, क्योंकि उसके बेटे जेम्स के साथ मैंने प्रिया की शादी तय कर दी है। कल ही उन दोनों की हम सगाई कर देंगे, और तुम प्रिया को लेकर उन दोनों के साथ सिंगापुर चले जाना, वही उन दोनों की शादी होगी। हेलो। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया, क्या बात है प्रिया, तुम क्यों इतना घबरा रही हो? पापा ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है अभिमन्यु, वो हम दोनों को हमेशा के लिए जुदा करना चाहते हैं। क्या? हाँ अभिमन्यु, कल वो मेरी सगाई अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ करके मुझे सिंगापुर भिजवाना चाहते हैं। Impossible, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकती, पापा ने चारों तरफ पहरे लगा रखे हैं। प्रिया, तुम्हारे पापा कुछ भी कर ले, तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकते। भीष्मा, राणा प्रिया की सगाई किसी और के साथ करके उसे विदेश भेजना चाहता है। तुम दिल छोटा मत करो, उसका यह सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। मगर कैसे, राणा के बंगले के चारों तरफ उनके आदमी गन लेकर पहरा देते रहते हैं। लगता है तेरे कान के साथ साथ तेरी खोपड़ी का भी दरवाजा बंद हुई गवा है। अरे घुमचू, हुआ जब सगाई होगी तो नाच गाने का प्रोग्राम होएगा कि नहीं? साथ नाच गाने का प्रोग्राम तो हो गई फिर तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया और मेरा भी। जुलगाए जाम से
इशारा है किधर। जिंदगी में आप खुशियां कभी नहीं आएगी राणा। नागेश और प्रिया को मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। प्रिया तो जिसकी अमानत है उसे मिल जाएगी, मगर नागेश की लाश तुझे कब और कहां मिलेगी उसके लिए मेरे फोन का इंतजार करना। What is it? What's the matter? कुछ पता चला? नहीं राणा साहब, हम लोगों ने बस्ती में घुसकर एक एक घर ढूंढा मगर उसका कहीं पता नहीं चला। हेलो, तेरा बेटा अभी तक जिंदा है राणा, लेकिन उसकी जिंदगी मौत की चौखट पर खड़ी है। तेरे बेटे को बस्ती के एक पोल के साथ बांध दिया है। बाहर गाड़ी में एक रिमोट कंट्रोल है, 10 मिनट के अंदर बस्ती पहुंच के अगर उस रिमोट कंट्रोल को दबाने में कामयाब हो गया तो तेरे बेटे की जान बच सकती है, वरना उसकी लाश के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि उसे चुनना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हट जाओ! Thank you.
हरामजादा और राणा के साथ अब काम करने के लायक नहीं रहे तुम लोग। तुम सब के सब नाकारे बन चुके हो, नामर्द हो तुम। एक भीष्मा का पता नहीं लगा सके अब तक। अब उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे राणा साहब। उसकी चिता चलाने के बाद मैं नागेश का शाद बनाऊंगा, ये प्रतिज्ञा की है मैंने। राणा साहब, आपके लिए फोन। हेलो। रिमोट दबाने से ब्लास्ट होता है, रुकता नहीं है राणा। अब तेरी बारी है। हर पल हर घड़ी अब तू मौत के साए में जिएगा, क्योंकि मैं चाहता था तू अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को बम के धमाके से उड़ता हुआ देखे और तेरा कलेजा फट जाए। जिस तरह अपनी बहन की लाश को देखकर मेरा कलेजा फट गया था। राणा साहब, भीष्मा के अड्डे का पता चल गया है। मगर राणा साहब, हम वहां आसानी से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि शहर में चारों तरफ पुलिस का पहरा है। आज हमें पुलिस तो क्या, भगवान भी नहीं रोक सकता। नागेश के बाद हमारे जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है भीष्मा की मौत। अपने तमाम आदमियों को पुलिस के भेस में लेकर भीष्मा के अड्डे को घेर लो। आज वो नहीं या हम नहीं। आपकी वजह से मेरी जान बच गई। अरे तेरे लिए तो जान हाजिर है। कान? कान नहीं बे, जान। नान? कान में है कि नहीं? चल, चल। Oh!
तो। अरे अच्छा हुआ तुम हमको बचा ही लिया। बचा लिया? तुम हमको बचा ही लिया। किसका लिया? कहाँ है? भाग! एक बार तो हम तुमको बचा लिए, दूसरी बार तुम हमको बचाइए, मतलब हमको कौन बचाएगा भैया? कुत्ता! वाह, देखा ये बार कुत्ता हमको बचा लिया यार। कुत्ता कमाल का आदमी है यार। अबे आदमी नहीं है, कुत्ते को आदमी बोल के कुत्ते का अपमान करता है। मुंडी हिला रहा है। मैं बहरा हूँ, बार बार तुम्हारी नजर यहाँ कान पे क्यों जाती है? अरे मगर कान का घोंसला कहाँ है? मारा मारे में गिर गया। अरे तोरे साथ रह के हम साला बहरा होगा, कुछ सुनाई नहीं देता है। क्या बोलता है? आहिस्ता बोल। दूध में पानी कम मिलाया करो, सब सुनाई देगा। ये सुनाई दिया, बहुत हरामी है साला। Yeah.